Hello everyone, today in this video we are going to discuss one more question related to reciprocal cone from analytic geometry. So question is, find the equation of the cone which touch the three coordinate planes and the plane x plus 2y plus 3z is equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 0. So according to this question, हमें एक ऐसे कोन का इक्वेशन फाइंड करना है जो थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा हो और साथ में ये जो गिवन प्लेन है इनको भी टच कर रहा हो. ठीक है, हमें ऐसे कोन का इक्वेशन चाहिए. सो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक रिजल्ट किया था कि द कोन which touch the coordinate planes is a cone which is reciprocal to the cone that passes through the coordinate axis. ठीक है, ये result क्या कहता है हमें कि एक ऐसा cone जो coordinate planes को touch कर रहा हो वो reciprocal होता है एक ऐसे cone के जो coordinate axis से pass करता है ना. तो अगर हम coordinate axis से जो cone pass करता है उसका equation find कर लेते हैं तो उसके reciprocal cone निकाल देते हैं फिर, है ना. तो आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कोन विच टच द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स, है ना, है ना. तो लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कंडीशंस भी दी हुई हैं कि कोन जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को तो टच कर ही रहा हो साथ में गिवन प्लेन्स को भी टच कर रहा हो, है ना. तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है लेकिन जस्ट हम हिंट लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है. ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड कोन है जो हमने फाइंड करना है. ठीक है, अगर ये रिक्वायर्ड कोन है तो ये कैसा कोन हुआ, विच टच द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड दीज टू गिवन प्लेन्स, जो हमें ये प्लेन्स दिए हुए हैं. ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड कोन है जो हमने फाइंड करना है. तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स को भी टच कर रहा है और ये प्लेन वन, ये लिखा हुआ है मैंने, ये प्लेन वन है, ये प्लेन टू. ठीक है, ये प्लेन वन इसको टच कर रहा है अलोंग दिस लाइन और मान लेते हैं प्लेन टू जो है वो भी इस कोन को टच कर रहा है अलोंग दिस लाइन. और हमें इतना क्लियर है कि ये जो प्लेन्स हैं वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो ये वर्टेक्स से पास होते जाएंगे. ठीक है, ये कोन का वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन होगा. ओरिजिन क्यों होगा वर्टेक्स, ये भी देखो क्यों, क्योंकि हमें पता है एक ऐसा कोन जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच करता है वो रेसिप्रोकल होता है एक ऐसे कोन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा होता है. तो जो कोन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, उसका वर्टेक्स क्या होगा, जीरो 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 ना. तो इस कोन का वर्टेक्स भी हमारे पास क्या रहेगा, जीरो जीरो जीरो. ठीक है, तो ये तीनों प्लेन्स भी हमारे ऐसे हैं जो वर्टेक्स से पास कर रहे हैं यानी जीरो 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 से पास कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कोन जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है और गिवन प्लेन्स को टच कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है. तो देखो हम इस कोन का इक्वेशन निकालेंगे कैसे, कैसे आइडिया लेना है. इतना तो क्लियर है कि ये कोन रेसिप्रोकल होगा एक ऐसे कोन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है. और रेसिप्रोकल कोन का जो डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, रेसिप्रोकल कोन क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल कोन इज द लोकस ऑफ द नॉर्मल्स थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन टू द टेंजेंट प्लेन्स. तो ये दोनों प्लेन्स जो हैं वो टेंजेंट प्लेन ही तो हैं ये रिक्वायर्ड कोन के लिए, है ना, इसको टच कर रहे हैं ये, तो ये टेंजेंट प्लेन हुए. तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ द नॉर्मल थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास कर रहा है ये नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन्स. तो हमने इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो वर्टेक्स से पास करे इस टेंजेंट प्लेन पे. तो इसका जो लोकस होगा, इसका जो लोकस होगा वो क्या जनरेट करेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा हमारे पास, रेसिप्रोकल कोन बनेगा इस कोन का, है ना, बाय डेफिनेशन. सिमिलरली ये हमारे पास सेकेंड कोन है, तो अगर हम सेकेंड प्लेन पे, ये सेकेंड प्लेन है, सेकेंड प्लेन पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं विच पासिस थ्रू द वर्टेक्स, तो ये होगा. तो ये जो नॉर्मल्स हैं ये मिलके हमें कोन जनरेट करके देंगे, ये नॉर्मल जो है वो एक कोन जनरेट करेंगे. ठीक है, जो ये गिवन कोन के रेसिप्रोकल होगा, क्लियर. लेकिन हमें इतना भी पता है कि वो कोन जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा होता है और एक वो कोन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कोन होते हैं. तो इट मीन्स अगर ये ऐसा कोन है जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है तो इसके रेसिप्रोकल कोन कैसा होगा, विच पासिस थ्रू
कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले एक ऐसे कोण की इक्वेशन निकाल लेते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है। ठीक है, और हमें इतना भी क्लियर है, अब अगर ये कोण जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, साथ ही में वो ये जो फर्स्ट प्लेन है इस पे जो नॉर्मल है उससे भी पास कर रहा है, ये जो सेकेंड प्लेन है इस पे जो नॉर्मल है उससे भी पास कर रहा है ना, तो ये दोनों लाइंस नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सेकेंड प्लेन, ये कोण के लिए क्या हुए, जनरेटर हुए ना। ये दोनों लाइंस जो फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल, सेकेंड प्लेन पे जो नॉर्मल है, वो हमारे जो ये कोण बन रहा है यहाँ पे विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनके लिए क्या हुए, ये दोनों जनरेटर हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोण का इक्वेशन निकाल लेंगे, ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, और फिर इसके रेसिप्रोकल कोण का जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड कोण आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? हाँ जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये कोण का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन्स, है ना, जो इन प्लेन्स पे नॉर्मल है उनसे पास कर रहा हो। सो इक्वेशन ऑफ द कोण विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। ये कोण का इक्वेशन हमने निकाला था विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये होता है। ठीक है, तो ये कोण तो मिल गया हमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है। अब हमें ये पता है यही कोण जो है वो फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन पे जो नॉर्मल है उससे भी पास कर रहा है ना, ये कोण जो है वो ये दोनों नॉर्मल से भी पास कर रहा है। तो पहले हम ये नॉर्मल्स की इक्वेशन निकाल लें। तो फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास ये एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, हमें इतना भी पता है कि यहाँ पे ये जो वन है टू थ्री ये क्या होते हैं हमारे पास प्लेन की इक्वेशन में, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। ठीक है, तो जो नॉर्मल है हमारे पास यहाँ पे देखिए वो ये वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, जीरो 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 से पास कर रही है ये लाइन, है ना, और इसके डी आर्स क्या है, वन टू थ्री, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यूज होती है वन टू थ्री दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, और सेकेंड प्लेन हमें दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो सेकेंड प्लेन है उस पर नॉर्मल है ये, तो ये लाइन जो है वो भी ओरिजिन से पास कर रही है, और इसके डी आर्स क्या है हमारे पास टू थ्री फोर, तो हम ये दोनों लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हैं अब ये दोनों नॉर्मल्स की। तो फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन डायरेक्शन रेशो क्या है इसका वन, वाई माइनस जीरो अपॉन टू, जेड माइनस जीरो अपॉन थ्री, ये हमने वन पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन यूज किया, पासिंग पॉइंट हमारे पास जीरो 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 है एंड डी आर्स है हमारे पास वन टू एंड थ्री। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नॉर्मल का इक्वेशन हमने निकाला, सेकेंड नॉर्मल जो है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, पासिंग पॉइंट जीरो जीरो जीरो, और इसके डी आर्स क्या है हमारे पास टू थ्री एंड फोर, टू थ्री एंड फोर, तो ये हमारे पास दोनों नॉर्मल्स के इक्वेशन आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कोण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है वो ये दोनों लाइन से भी पास कर रहा है, तो ये दोनों लाइन्स क्या हुई इस कोण के लिए, जनरेटर हुई। तो फिर हमने एक रिजल्ट और किया था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ द कोण हुज इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कोण। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या है, ये हमारे ये कोण के लिए क्या है, जनरेटर है, और ये कोण का इक्वेशन होमोजीनियस है, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसके जो डी आर्स हैं यानी वन टू थ्री और इस सेकेंड लाइन के जो डी आर्स हैं टू थ्री फोर, वो हमारे कोण के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एफ एज इट इज रहेगा वाई जेड, इसके डी आर्स क्या है वन टू थ्री, है ना, तो वाई की प्लेस पे हम टू पुट करेंगे, जेड की प्लेस पे थ्री पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्स एफ, देन जी जेड एक्स, जेड कितना है, जेड हम थ्री पुट करेंगे और x हम वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे थ्री जी आएगा प्लस एच एक्स वाई, एक्स कितना है हमारे पास वन, वाई इज टू, तो डी आर्स की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे आएगा टू एच इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली सेकेंड लाइन के जो डी आर्स है वो भी इस कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डी आर्स, ये डी आर्स की वैल्यूज हमने ये कोण की इक्वेशन में पुट कर दी, तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई हैं। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस रेशो की हेल्प से सॉल्व करेंगे और वहाँ से एफ जी और एच की वैल्यूज निकालेंगे, वो एफ जी एच की वैल्यूज निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास कोण का इक्वेशन आ जाएगा विच पासिस थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कोण का इक्वेशन आ गया तो ये हमारा ये कोण बन गया, है ना, इसके रेसिप्रोकल कोण जब हम निकालेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड कोण होगा जो हमें चाहिए, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स को टच कर रहा है और ये गिवन प्लेन्स को भी टच कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमने ये कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और हमने एफ जी एंड एच की वैल्यूज फाइंड करनी है।
सो देखिए हमने इसको क्रॉस रेशो की हेल्प से सॉल्व कर लिया, एफ जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, ये यहाँ क्या आएगा 18 माइनस 16, जी अपॉन ये आएगा 24 माइनस 36 एंड एच अपॉन 48 माइनस 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ रहा होगा 2 माइनस 12, तो इसको हम k के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, g इज माइनस 2k एंड h इज 12k। तो ये f, g, h के जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या थी हमारे पास, f, y, z, f की वैल्यू 2k पुट कर दी, प्लस g, z, x, g की वैल्यू है माइनस 12k वो यहाँ पे पुट कर दी, प्लस h, x, y था यहाँ पे, h की वैल्यू 12k है वो हमने यहाँ पुट कर दी, और फिर यहाँ से 2k कॉमन आ रहा है वो हमने आउटसाइड निकाल दिया, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे y, z माइनस 6 z, x प्लस 6 एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कोन विच पासेज थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन्स। अब हम अगर इसके रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन निकालते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड कोन आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ द रिक्वायर्ड कोन इज रेसिप्रोकल टू द कोन 6, ठीक है। तो इसके रेसिप्रोकल कोन अगर हमें निकालना है तो हमने किया हुआ है ना कि कैसे हम फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल कोन, सबसे पहले हम ये कोन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट यहाँ ए है यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे ए कितना होगा जीरो होगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, बी वाई कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वेयर जीरो है, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ जेड स्क्वेयर भी जीरो है, तो यहाँ पे वाई जेड का कोफिशियंट है 2f, यहाँ पे yz का कोफिशियंट है 1, तो 2f इज इक्वल टू 1 मींस f इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहाँ पे zx का कोफिशियंट है 2g, यहाँ पे zx का कोफिशियंट है माइनस 6, यानी 2g इज इक्वल टू माइनस 6, इट मींस g इज इक्वल टू माइनस 3। xy का कोफिशियंट है 2h, यहाँ पे xy का कोफिशियंट है 6, यानी 2h इज इक्वल टू 6 मींस h इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली। अब लेट इक्वेशन ऑफ कॉन विच इज रेसिप्रोकल टू द कॉन 6 इज, रेसिप्रोकल कॉन का इक्वेशन कैसा दिखता है, कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वेयर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वेयर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने ये रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन निकालना है तो हमने ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एफ जी एच की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए इज बी सी माइनस एफ स्क्वायर, हम कैसे फाइंड करते हैं, हम ये डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं ए बी सी एफ जी एच, देन फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे बनाते हैं, यहाँ पे एच तो यहाँ एच, यहाँ जी है तो यहाँ पे जी रखना है, यहाँ एफ है तो यहाँ पे एफ रखना है। कैपिटल ए होगा यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का कोफैक्टर क्या होगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है। बी क्या होगा कैपिटल बी कोफैक्टर ऑफ बी, बी का जब हम कोफैक्टर निकालेंगे वो क्या होगा ए सी माइनस जी स्क्वायर, तो आई थिंक आप कोफैक्टर सबके निकाल सकते हो, कैपिटल सी इज कोफैक्टर ऑफ सी, कैपिटल एफ इज कोफैक्टर ऑफ एफ, कैपिटल जी इज कोफैक्टर ऑफ जी, कैपिटल एच इज कोफैक्टर ऑफ एच, तो ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज आई थिंक आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करनी है, बी सी माइनस एफ स्क्वेयर, बी एंड सी की वैल्यू तो है जीरो, माइनस एफ, एफ कितना है 1/2, एफ स्क्वेयर कितना होगा फिर 1/4, ए सी, ए सी दोनों ही जीरो हैं, माइनस जी स्क्वेयर, जी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3, तो इसका स्क्वेयर करोगे क्या आएगा यहाँ माइनस 9। ए बी माइनस एच स्क्वेयर, ए बी इज जीरो है ना, और माइनस ये एज इट इज एच स्क्वेयर, एच कितना है 3, तो इसका स्क्वेयर करेंगे 9 आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू जी एच माइनस ए एफ, ए तो जीरो है तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जी एच को मल्टीप्लाई करना है हमने, जी एच को जब हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 9 आंसर आएगा। कैपिटल जी इज एच एफ माइनस बी जी, बी का वैल्यू हमारे पास जीरो है तो एच एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, एच और एफ को मल्टीप्लाई करने पे 3/2 आ रहा है। कैपिटल एच इज जी एफ माइनस सी एच, बिकॉज सी इज जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा, जी एफ को मल्टीप्लाई करना है इट मीन्स माइनस 3/2। तो ये कैपिटल ए बी सी एफ जी एच की जो वैल्यूज निकाली है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए की वैल्यू रखी, ठीक है, ये हमारा वो रेसिप्रोकल कोन कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर, कैपिटल ए इज माइनस 1/4, कैपिटल बी वाई स्क्वेयर, कैपिटल बी का वैल्यू था माइनस 9, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी सभी, कैपिटल ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 7 है उसमें पुट करोगे तो ये बन रहा होगा हमारे पास। फिर हमने ये फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कैंसिल आउट, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, 36y² 36z² 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72yz, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12zx, 4 से मल्टीप्लाई किया 12xy इज इक्वल टू 0, यहाँ से नेगेटिव साइन हमने नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 36y² प्लस 36z² प्लस 72yz माइनस प्लस 72yz प्लस
सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस 12zx देन प्लस 12xy इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर।